हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून भी, क्योंकि गुड आफ्टरनून होने वाली है। 12:15 हो रही है जैसा कि आप घड़ी में देख सकते हैं। और बताइए, आप लोग सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। और वीडियो 2-3 दिन से नहीं बनाया, कारण ये था कि मेरे पास टाइम भी नहीं था और मन भी नहीं कर रहा था। गाइस, पता है क्यों? क्योंकि है ना, मेरा वॉच टाइम भी कम हो जाते हैं और सब्सक्राइबर भी कम हो जाते हैं और पता नहीं क्या है। चलो, इस मन से दुखी नहीं होंगे, चलते रहेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, किचन में ले जाती हूँ और बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। मेरी फेवरेट सब्जी आलू भिंडी। आलू भिंडी देखिए, लाल लाल आलू भिंडी है ना। और सिर्फ मैंने इसमें जीरा डाला है, प्याज, और प्याज भी मैंने भुना नहीं है, साथ में ही ना डाल दिया। बस आलू को थोड़े तेल में फ्राई किए थे। तो देखिए कैसी लग रही है सब्जी। तो मेरे हस्बैंड तो आलू भिंडी नहीं खाते, उनको आलू भिंडी पसंद है, आलू डले हुए चीज़ पसंद नहीं है उनको। तो वो बोल रहे थे तुम बना लेना, मैं ना दही के साथ रोटी खा लूँगा, कितने अच्छे पति है मेरे। तो ये था गाइस, अभी झाड़ू पोछा बाकी है। और क्योंकि पता है आज मैं नीचे है ना, पूरा गटर खोद के गए थे, वो भर के भी नहीं गए, तो मैं सारा मिट्टी भर कर आई हूँ, तो बहुत टाइम लग गया, तो मेरा झाड़ू पोछा रह गया। तो अब करूँगी, कपड़े मैंने 2 ट्रिप में धो लिए हैं और मैं अंदर ही सुखाती हूँ। देखिए, तो बाहर जब सुखाऊँगी ना तो मेरे कपड़े जल जाएंगे, इतनी धूप है। और पता है ये क्या है? ये फिनाइल की बोतल है, और मैंने इसको, बच्चों की स्कूल की बोतल थी तो मैंने ना इसको फिनाइल की बोतल बना दी। तो इसके अंदर से ये छेद है, तो इसमें, और पता है ये फिनाइल मैं बिलासपुर से मंगाती हूँ मेरे भाई के यहाँ से, इतनी अच्छी खुशबू है गाइस इसकी। और बताओ एक चीज़, और ये देखिए मैं मटकी लेके आई, और ये मटकी आई है 150 रुपये में, इसका स्टैंड आया 50 रुपये में, और इतना ठंडा और अच्छा मीठा मीठा पानी हो गया इसके अंदर। पर ये जगह ठीक नहीं लग रही मुझे, मैं ना इसको किचन में रखूँगी। तो ठीक है गाइज, आप लोग बताइए कैसे है। परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं क्योंकि उसके अनुग्रह से एक और दिन मिला। बहुत से लोग आज के दिन को नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह रहा कि हम अपने परिवार के साथ आज के दिन को देख पा रहे हैं। और आप कहेंगे कि रोज़ रोज़ यही चादर बिछाती है, नहीं, मैंने 2 दिन लाल वाली बिछाई थी और आज ही ये चेंज करी है। तो परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। तो आपको, आप बताइए कि मेरा गाना कैसा लगा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। चलते चलते सांस फूल जाती ना गाइस, इसलिए थोड़ा सा ही सुनाती हूँ। आप लोग बोलेंगे तो मैं पूरा सुनाऊंगी एक दिन बैठ के, है ना, वीडियो बनाऊंगी और बैठ के आपको बहुत सारे गाने सुनाऊंगी। तो गाइज यही था। और देखिए, मैंने डस्टिंग कर ली थी, फिर भी देखो आपसे बात करते करते और कर रही हूँ। मेरा दिमाग ख़राब है, मुझे ऐसा लगता है कि अरे फिर से मिट्टी आ गई। तो मिट्टी नहीं है गाइज, देखिए बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीन है, फिर भी मैं 10 बार यह हाथ फेरती हूँ, है ना। तो आप लोग भी ऐसे ही अपने घर का काम करते हैं, मुझे पता है आप लोगों के घर भी बहुत साफ रहता है। और ये देखिए मेरी बेटी की फ़ोटो, ये जब से 10th या 11th में थी तब की। वो पूना में बहुत खुश है और है ना, खाना बनाना सीख गई है, और आएगी तो उससे बनवाऊंगी, खाऊंगी उसके हाथ का खाना। तो ठीक है गाइस, देखिए ऐसा लग रहा है ना कि झाड़ू पोछा हुआ हुआ है, चमक रहा है, लेकिन बहुत गंदा है गाइस, है ना। आपको भी लगता होगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ, लेकिन हो सकता है मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत अंदर से गंदी हूँ,
जो चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं आती होगी वो शायद मैं करती हूँ, शायद क्या करती हूँ मैं, है ना। किसी दिन आपको बताऊंगी कि क्या क्या मैं करती थी और मैंने क्या क्या छोड़ दिया, और अभी भी मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं करती हूँ, लेकिन परमेश्वर उसमें मुझे संभालता है और मुझे सिखाता है कि बेटा ये नहीं करना है। तो गाइस ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।